अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास ऑफ नाइन्थ। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो बिटवीन टू एटम्स के दरमियान में बनता है। ठीक है, दो एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों एटम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इस तरह के बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जो दो एटम्स के दरमियान में बनता है और जिसमें दोनों एटम्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करते हैं। इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। नाउ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं जिसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम ओनली, जिसमें एक ही एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करता है। ठीक है, एक ही एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक ही एटम अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको देगा दूसरे एटम को। इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डीटेव, ठीक है, डीटेव बॉन्ड भी कहते हैं, जिसमें एक एटम अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट करता है दूसरे एटम को। इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब इस दोनों एटम्स में एक एटम होता है डोनर एटम, ठीक है, डोनर एटम वो एटम होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को डोनेट करता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देता है उस एटम को डोनर एटम कहते हैं। एंड अनदर इज एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर एटम ऐसा एटम है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेता है, ऐसे एटम को एक्सेप्टर एटम कहते हैं। अब जो डोनर एटम है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। अब ये जो डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम, इन दोनों की ये जो बॉन्डिंग होती है इसको लुविस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको लुविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लुविस स्ट्रक्चर भी यही है कि जिसमें एक एटम अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम को देता है, और जो देने वाला होता है उसको डोनर एटम कहते हैं, और जो उस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होता है, जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला होता है, उस एटम को एक्सेप्टर एटम कहते हैं। नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NH4। ठीक है, अब अमोनिया, अब यहाँ पे NH3 और हाइड्रोजन, ठीक है, NH3 और हाइड्रोजन की जब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होती है, ठीक है, अब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट्स मीन ये इलेक्ट्रॉन जो है अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये दे रहा है। ठीक है, जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, NH3 को, तो उस फॉर्मेशन हो जाएगी NH4 की। अब इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन पहले से अटैच थे, और ये जो ऊपर वाला ये एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके साथ अटैच हुआ है, NH3 से NH4 की फॉर्मेशन हो गई है। जब एक हाइड्रोजन NH3 के साथ अटैच हुआ है तो NH3 के साथ अटैच होने की वजह से NH4 की फॉर्मेशन हो गई है। सो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यही था कि जिसमें एक एटम अपना जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो डोनेट करेगा, अब दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन ना डोनेट करता है ना शेयर कर रहा है, जस्ट एक ही एटम अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर रहा है। अब इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, जिससे NH3 कन्वर्ट हो गया है NH4 में। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड O2, ठीक है, इट्स मीन H2O। अब जो हाइड्रोजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन H2O मीन इट्स मीन वाटर को दे रहे हैं, जिससे H2O कन्वर्ट हो जाएगा H3O में। ठीक है, अब ये सेंटर में ऑक्सीजन है जिसके साथ पहले 2 हाइड्रोजन अटैच थे, और ये वाला हाइड्रोजन जब इसके साथ ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हुआ तो फॉर्मेशन हो जाएगी H3O की।
ठीक है। अब ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें एक ही एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ठीक है। दूसरा एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन ना डोनेट कर रहा है ना उसको शेयरिंग कर रहा है, जिसमें जस्ट एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है H2O को, जिससे H2O कन्वर्ट हो जाता है H3O में। लेट्स सी अनदर एग्जांपल इन विच कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेशन। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें जो एन एटम है, ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट कर रहा है बी को, ठीक है, और वो बी है बी सी एल थ्री। अब जो नाइट्रोजन एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है बी को, ठीक है, जिसकी वजह से जो बी सी एल थ्री है उसका आउटर मोस्ट जो शेल है, वैलेंस शेल है, वो कंप्लीट हो जाएगा और इन दोनों एटम्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं जिसमें दोनों एटम्स अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शेयर करते हैं, जिसमें जो दोनों एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। और जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इसमें जो एक एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, दूसरे एटम को। अब जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऐसे एटम को डोनर एटम कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर एटम कहते हैं। जो डोनर एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो एक्सेप्टर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इन केस ऑफ NH3 जिसमें जो एक हाइड्रोजन है वो NH3 एक्सेप्ट करता है और फॉर्मेशन होती है NH4 की, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल थी जिसमें जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है H2O को, जिससे H2O कन्वर्ट हो जाता है H3O में। और जो लास्ट एग्जांपल थी जिसमें जो N एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है, बोरान को बी को, ताकि जो बी है उसका जो लास्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, वो कंप्लीट हो जाए। तो इसमें जो एन एटम है जस्ट वही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो बी है उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है।